क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हमसे पूछ रखा है और इसका फॉर्मूला भी दे रखा है, C6H12O6। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आपको उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, मतलब उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पता होना चाहिए और उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट्स के एटम्स की एटॉमिसिटी पता होना चाहिए। जैसे हम इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में अगर देखें तो ग्लूकोज में 3 टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट हैं, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के। कार्बन के 6 एटम्स हैं, मतलब कार्बन की एटोमिसिटी 6 है, हाइड्रोजन के एटम्स 12 हैं, मतलब हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 12 है और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं, मतलब ऑक्सीजन की 6 एटोमिसिटी है। वहीं अगर हम बात करें कार्बन का एटॉमिक मास की, तो कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। मॉलिक्यूलर मास जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, एटॉमिसिटी, जो जितने नंबर में एटम्स हैं उनका, और मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास, ये जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए ये करेंगे और हम क्या कर देंगे, उन सभी का सम कर देंगे, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कार्बन के लिए, सबसे पहले कार्बन की एटोमिसिटी 6 है और कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, प्लस हाइड्रोजन का एटोमिसिटी 12 है और हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1 है, प्लस ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 6 है और ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास 16 है, और इन सभी को जब आप ऐड करके देखेंगे तो इसका नंबर आएगा 180, और इसकी यूनिट जो होगी मॉलिक्यूलर मास की वो होगी ग्राम पर मोल। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 180 ग्राम पर मोल।